वार्ड 23 में घूमते घूमते हम कुछ महिलाओं के बीच में आ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर वार्ड पार्षद संपत सांखला का जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा है। यहाँ पे हम जान लेते हैं। नहीं तो नाले साफ करे, नहीं कोई कचरा उठा बड़ा आवे, नहीं कोई रोड बिल्कुल साफ करे और आवे जाने। अरे वो पार्षद साहब आते हैं या नहीं आते? पार्षद कोई आते ही नहीं। कब आए थे आखिरी बार? वो जब वोट लिया जब आ गया बस, बाद में आया नहीं। उसके बाद नहीं आया? सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ, नहीं कोई नहीं आते। वो भी नहीं आते? नहीं आते, कहते हाँ करेंगे करेंगे, दूसरी गली में कर जाते, इसमें करे नहीं। अच्छा, नो सर नाम है मेरा। क्या समस्या आपके वार्ड में? यही समस्या, नाले साफ नहीं करते। करते ही नहीं है? नहीं, बोलते हैं इसको जमादार को, तो बोल रहे आदमी भेज दूँ। आदमी को बोल रहे हैं तो बोलते हैं हमारा वार्ड ही नहीं है, हमारी तो गली दूसरी है। बोला हम दूसरे में आदमी आएंगे। तो वार्ड पार्षद को बताया कभी? वार्ड पार्षद को नहीं बताया, वो आता ही नहीं है। पार्षद तो आता ही नहीं, किसको बतावे? कम से कम नहीं तो वोट लेना आया ना, जब आया था 4.5 साल पहले। हाँ, संपत सांखला तो जब ही आया था, अभी तक आया ही नहीं उसके। नहीं बोलता ही नहीं। ये बताओ मुझे, आपके वार्ड में और क्या समस्या है? पानी, सफाई, पानी भी, सीसीटीवी कैमरा सड़क पर, कुछ है ऐसा? कुछ कुछ भी नहीं है, सीसी कैमरा है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं? कहीं भी नहीं। वो तो डिप्टी मेयर है। हाँ, लेकिन वो नहीं लगवाता ना। वो लगवाते ही आता है तो लगावे, आता ही नहीं हमारा तो कहाँ लगाएगा वो। होली दिवाली भी नहीं आता? कभी भी नहीं आता, कभी भी। जब वोट लेता ना, जब आया था उसने, और उसने बोला हमारे को जिताओ, तो हमने जिताया उसको। भाई हम जिताएंगे, हमारे घर के मेरी गारंटी है, चलो मैं जिता दूँ। चल जिता दिया, लेकिन वापस आके पूछे तो सही ना। हाँ। नहीं, इस रोड को कितनी साल हो, इतना सा वहाँ से तो बना दिया। हाँ। और ये तो इतना सा ही छोड़ गया। सब ने बोला उसको, फोन करके बोला संपत को कि भाई इतना सा बनवा दे। हाँ। तो बोला क्या घर घर बनवाता घूमू का, मना कर दिया उसने। अच्छा, हाँ मना कर दिया उसने, सिर्फ 50 मीटर की सड़क के लिए मना कर दिया। वहाँ तक तो पक्की है, और यहाँ तक बनाना ही नहीं, टूटी हुई सारी। अच्छा, आपकी बार दोबारा दोगे क्या उनको वोट? नहीं देंगे हम तो, देंगे नहीं किसी को, नहीं देंगे। हाँ, जो हमारा काम, जो हमारे यहाँ मतलब कोई काम ही नहीं है, किसी काय के लिए वोट दें उसको, ये बताओ। नहीं देंगे। जो हमारे गली में काम, व्यवहार कैसा है संपत सांखला का? व्यवहार हमारे यहाँ आता ही नहीं, तो काय का व्यवहार है? आवे कोई बात करे तो व्यवहार बने ना, कोई आता ही नहीं तो कहाँ से, उसको देखे ही नहीं तो काय का व्यवहार है, ये बताओ। कोई दस्तखत कराता है? बीजेपी के शहर अध्यक्ष और अजमेर दक्षिण की विधायिका अनिता बदेल, दोनों को कौन बनेगा मेयर शो जरूर देखना चाहिए, कि किस तरीके से डिप्टी मेयर संपत सांखला का विरोध उन्हीं के वार्ड में हो रहा है। ये 50 मीटर की सड़क केवल बची हुई है, जो कि अभी तक बनी नहीं है, और संपत सांखला से कई बार इन्होंने जानने की और संपर्क करने की जब कोशिश की है तो वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। इनका कहना है कि केवल जब 4.5 साल पहले वोट करने का वक्त था तो वो वोट मांगने इनके बीच में आए थे, लेकिन उसके बाद आज तक वो यहाँ पर नहीं आए। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477733। मेरा नाम ठीक कम चले। अच्छा, ये 4.5 साल में आपके वार्ड पार्षद संपत सांखला ने काम कराया कुछ? मैंने तो यार इन दिनों में देखा ही नहीं उनको। अच्छा, उनको देखा ही नहीं इन दिनों में? तो देखा ही नहीं, कोई नहीं देखा, आता ही नहीं। कब आया आखिरी बार? मेरे को तो ध्यान वो देखे, मैंने तो नहीं, 2-4 महीने में नहीं देखा बाहर से। तो काम ही नहीं किया उसने। अच्छा, सफाई नाली, यहाँ की सफाई और नाली, उसके क्या हालात हैं? मेरे तो आज तक नाली बनी ही नहीं। अच्छा, दूसरों के तो सबके पूरा रोड बन रहा, मेरे तो 14 फीट में बढ़ा है, उसमें नाली की और जगह छोड़ रखी है, वो बनी नहीं है। कहाँ बड़ी है, 500 बारी कह दिया है, और ये सीवरेज लाइन डलाई जो सारा रोज ही भर जाता है। अच्छा, कंप्लेंट करते तो कोई आता नहीं है? कोई नहीं आता कंप्लेंट करते, आते सफाई वाले तो 2-4-5 दिन में आते ही हैं। 2-4-5 दिन में आते हैं, डेली तो कहाँ से आएंगे। अच्छा, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम कालू राम नोगिया है। कहाँ रहते हैं आप? बी ब्लॉक चंद्रवरदाई। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं आज भी? समस्याएं तो बहुत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, रोड की अभी तक रिपेयर ही नहीं हुई है। अच्छा, रोड खराब है, नालियों में नियमित सफाई नहीं हो रही है, समझा? सफाई कर्मचारी आते हैं वो सब
कालम टोल करके चले जाते हैं। अच्छा, सिविल लाइन का ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। शिकायत करने के बाद भी आज तक उसको मेंटेनेंस करने कोई नहीं आया। अच्छा, समझे था। हमें खुद को स्वयं को मतलब अपने आदमी बुला के और उसको रिपेयर करवानी पड़ती है, और जबकि उसका मतलब चार्जेज उसमें पानी के बिल में आता है, और जबकि 15,000 लीटर पानी गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त है, उसके बावजूद भी बढ़ के बिल आ रहा है। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो कह के ये अभी नए मीटर स्मार्ट मीटर लगे हैं और उसकी वजह से ये अब कम करेंगे, मगर अभी तक तो कोई गुंजाइश है नहीं। अच्छा, समझे। अच्छा, आपको लगता है आपके वार्ड में सीसीटीवी कैमरा भी होने चाहिए, जिससे होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, क्योंकि रात को हमारे उस साइड में असामाजिक तत्व 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं और वो हा उल्ला गाली गलौज बकते रहते हैं। अब उनको कौन कहे, न तो रात्रि कोई गश्त आती है न उन पर कोई दबाव है। अच्छा, लेकिन आपके जो पार्षद हैं वो तो डिप्टी मेयर भी हैं, तो काम तो बहुत होना चाहिए। अब वो खुद को उसको खुद को फुर्सत नहीं है डिप्टी मेयर को कि भाई मेरे वार्ड में क्या समस्या है, मैं जाके उनका वार्ड का निरीक्षण करूं। समझा, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं पार्षद, मगर इस वार्ड में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और है जो वो कहीं है वो गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, वो पुलिस विभाग के लगे हुए हैं, मगर जो पार्षद लगाना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, गार्डन है आपके वार्ड में? गार्डन है सर, है। हाँ, वो सही है। डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी या डिस्पेंसरी है, मगर उसमें एक डॉक्टर है। अच्छा, वो भी अच्छा, फिर वो पूरा स्टाफ है नहीं। हाँ, कोई लेबोरेटरी है नहीं, कोई जांच के लिए कोई वो है नहीं, जैसे यूरिन टेस्ट हो, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ही जाना, या तो जेएलएन जाओ या सैटेलाइट जाओ। अच्छा, समझा था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर भी होने चाहिए, कम से कम दो तीन तो डॉक्टर होने चाहिए। न कोई भर्ती की व्यवस्था है, इमरजेंसी में जैसे कोई हो तो उसको भर्ती तो रखना चाहिए ना, वो व्यवस्था नहीं है। रात को भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आता। वार्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, गार्डन, सीसीटीवी कैमरा, और जैसा कह रहे हैं कि रात्रि गश्त भी इस इलाके में होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस गली से हम निकल कर आ रहे हैं कि संपत सांकला लंबे अरसे से इस गलियों में दिखाई नहीं दिए, और जब उनसे जब उनसे किसी भी समस्या के लिए बात की जाती है तो ऐसे जवाब मिलते हैं जिसकी उम्मीद शायद यहाँ के वार्ड वासियों ने की भी ना हो। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114-82312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477333। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. कितने अरसे से संपत सांकला यहाँ नहीं है, और कौन कौन सी ऐसी समस्या आपके वार्ड में है जो बनी हुई है अभी भी? आप अभी खुद इस क्षेत्र में घूमे हैं, तो आपने लोगों से देखा सुना, उससे आप भली भांति वाकिफ हैं। लोगों की समस्या चाहे महिला हो चाहे जवान हो चुप, सबसे आपने सुना। मूल सुविधा जो मैंने आपको बताई थी, शहीद भगत सिंह मार्ग, जो एक शहीद के नाम से इन्होंने केवल नामात्र कागजों में या बोर्ड लगाने तक ही वो सीमित था, उस रोड की हालत आपने देखी है। काफ़ी लंबे अरसे से इस वार्ड में सीसीटीवी फुटेज के जो पोल हैं वो लगा चुके हैं। हमने कई बार नगर निगम CO को लिख के दिया है कि वार्ड में सीसीटीवी जो पोल लगाए गए उन पर लगानी चाहिए, जिससे राहत की मिले, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। एक इस जो वार्ड का जो टन है, इस वार्ड में सीवरेज के लिए खड्डे खोदे गए थे, जिनको आज तक वापस पेचअप नहीं करा गया, ना ठेकेदार द्वारा ना नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं सुनी जा रही है। उससे आए दिन दुर्घटना होती है, किसी भी पूरे वार्ड में कहीं भी एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिससे लोगों को आए दिन समस्या का समाधान होना शिकार होना पड़ता है। कोई सुनने वाला नहीं उनकी समस्या की, वो कहाँ जाके बोले। सिर्फ रिकॉर्डों में, केवल पेपरों में लाखों रुपये की सड़कें हैं, सड़कों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना वहाँ लाइट के पोल भी हैं, लेकिन लाइट भगवान भरोसे है, आप देखेंगे। और जो मुख्य सड़क जो हांडी रेस्टोरेंट से आ रही है, उस सड़क पर अवैध बसों का एक जमावड़ा लगा देता है 24 घंटे, सामने रेस्टोरेंट वाले वहाँ गंदगी डाल देते हैं। शहीद भगत सिंह मार्ग होने के नाते दोनों तरफ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेड़ लगाए गए हैं, वो केवल दिखाने के लिए सरकार, उन पेड़ों की सुध लेने वाला आज कोई भी नहीं। आप देखेंगे
उनकी जालियाँ टूटी हुई रोड पर कम से कम डेढ़ डेढ़ दो दो फीट के खड्डे हैं। ऐसा नैतिकता के आधार पर आदमी ये सोचे, पार्षद बन गया अच्छी बात है, लेकिन आम जन लोगों की समस्या का समाधान करना उसका पहली प्राथमिकता है, अधिकार होना चाहिए। सीवरेज की स्थिति क्या है? सीवरेज की स्थिति ये है, यहाँ जो पाइपलाइन डाली गई थी वो 3 इंच या 4 इंच की डाली गई है, जो इनसफिशेंट थी। तो इन्होंने कहा पुनः आप वापस उस पाइपलाइन को निकाला जाएगा, नया टेंडर होगा, वो तो करा नहीं, लेकिन लोगों से पैसे लेके कनेक्शन दे दिए। तो बारिश के दिनों में वो ऐसा उफान मारते हैं जैसे कोई पानी की पाइपलाइन फूट गई हो। उन समस्या का समाधान किसी भी तरह से नहीं है, ना नालियाँ हैं, नालियों का कनेक्शन उन्होंने पैसे लेके जोड़ तो दिया, लेकिन उनकी सफाई जो पहली पाइपलाइन इनसफिशेंट थी उसमें फिर और लोगों के घरों के कनेक्शन कर दिए, उसलिए लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों से मिले तो जो मूलभूत वार्ड में एक चीज़ और देखिए, बड़े बड़े डंपर आपके वार्ड में आ रहे हैं। डंपर और बजरी का ये मुख्य जो रोड बना है वो आवागमन की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस काम में बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि रामगंज थाने का जो मेन पड़ता है रोड, तो ब्यावर रोड पे हमेशा चेकिंग होती है, तो जो ऑयल डिपो से थाने तक रोड बना उस दौरान ये सारे डंपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ना यहाँ कोई टोकने वाला है, इसलिए धड़ल्ले से चलते हैं। रोड पर जो व्यक्तिगत लोगों को आनी थी, लोग तो निकल नहीं पाते क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी का आलम है कि वहाँ से निकलना दुश्वार है, तो आम लोगों ने तो अपना रास्ता चेंज कर लिया, लेकिन जो डंपर हैं या अवैध जो गतिविधियों के लोग हैं, चाहे वो तस्कर हों, उनके भूमाफियों के लिए वो रोड बहुत सुनिश्चित है, क्योंकि वहाँ उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, दोनों तरफ जंगल है। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाली देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-82312. Main MTTV India ne ab tak 23 ward Ajmer shahar ke cover kar liye hain. आज हम जानना चाहेंगे हमारे सुशील पाल से कि इन्होंने ये 23 के 23 वार्ड घूमे, मुख्य क्या क्या समस्याएं हैं वो हम इनसे जानते हैं। सुशील, आप अजमेर के 23 वार्ड कवर कर चुके हैं अब तक, शहर के वार्डों में क्या मेन समस्याएं आपको लगी, कौन कौन सी मोटी समस्याएं शहर में थी? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन बनेगा मेयर शो में हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है। वो तस्वीर क्या नज़र आ रही है कि जो मूलभूत काम होते हैं जो नगर निगम को कराने चाहिए, सीवरेज के, नाली सफाई के, सड़क सफाई के, पेड़ पौधों के, यानी कि हरा भरा वार्ड होना चाहिए, गार्डन होने चाहिए, ये कोई भी मूलभूत ज़रूरतें वार्ड के अंदर देखने को नहीं मिली है। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनकी सोच को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वार्ड पार्षद उनको सीमित मूलभूत आवश्यकताओं तक ही सीमित रखता है। वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी होती नहीं है, CCTV कैमराज होते नहीं है, प्रॉपर गश्त होती नहीं है, कई वार्डों में तो चौकियां तक नहीं है, गश्ती कौन करेगा वहाँ पर? गश्त हमारी पुलिस किस तरीके से करती है वो नज़र आ रहा है। वो वार्ड कौन बनेगा मेयर शो में लोग हमको कह रहे हैं। उसके साथ साथ जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं तो गार्डन हमको नज़र नहीं आते हैं। चारों तरफ जहाँ देखो वार्डों के अंदर जंगली ये जो बबूल के पेड़ हैं ये नज़र आते हैं, बीमारियाँ इन्हीं से फैल रही है, साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है, बहुत सीमित जो शहरी इलाका है हमारा वहाँ पर तो हो रही हैं, जहाँ पर अधिकारियों को रोज़ गुजरना पड़ता है वहाँ पर हो रही हैं। कुछ वार्ड हमारे स्मार्ट सिटी में हैं वहाँ पर सफाई हो रही है, लेकिन जब हम कुछ और दूसरे इलाकों में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो दक्षिण के इलाके हैं अधिकतर उन इलाकों के अंदर सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। लोगों को CCTV कैमरे की ज़रूरत है लेकिन सरकारों ने अभी तक लगाई नहीं है, नगर निगम ने खुद ने इनिशिएटिव लिया नहीं है, अभी तक डिस्पेंसरी अभी तक वहाँ पर हुई नहीं है। बिजली की समस्या में बात अगर करें तो वार्ड पार्षद को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, भागीदारी अपनी निभानी चाहिए थी पूरी व्यवस्थाओं को देखने की, उन व्यवस्थाओं को भी पूरा नहीं किया है। कई जगह हम ऐसे गए हैं, ट्रांसपोर्ट खुले जो ये खुले पड़े हैं, बिजली के कनेक्शन जहाँ से मेन जाते हैं वो खुले पड़े हैं, अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं वायर, और इसके चलते एक चीज़ ये भी देखने को आई है कई चौराहे इस तरीके से हैं जो वार्ड पार्षद को नगर निगम या अजमेर विकास प्राधिकरण से कहकर उसको ठीक करवाने चाहिए थे, जिससे कि वहाँ पर हादसे ना हो। गाय जंगली जानवर की तरह सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, जिससे हादसे के शिकार लोग हो रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की जिम्मेदारी है, वहाँ के वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान
वार्ड पार्षद भी नहीं रख रहा है और वार्ड में रहने वाले जो लोग हैं वो भी वार्ड पार्षद को कहीं ना कहीं कह नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ वार्ड पार्षद तो ऐसे हैं हमारे नगर निगम के जो अपने वार्ड के अंदर 6-6 महीने में एक दो बार जाते हैं। मतलब कितना आसान सा काम है कि सुबह की एक मॉर्निंग वॉक उनको अपने एक वार्ड के अंदर कर लेनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी 23 वार्ड हुए, हम अभी और भी वार्डों में जाएंगे, देखने को मिलेंगी कुछ और समस्याएं, तो हम शहर को और नगर निगम प्रशासन को उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। सुशील, आप 23 वार्ड में घूमे हैं, अजमेर शहर में सीवरेज को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। निगम की जीसी में भी सीवरेज को लेकर काफ़ी मुद्दे उठे हैं। जितने भी लोग हैं वो सीवरेज को लेकर परेशान हैं, उनके कनेक्शन सीवरेज में हुए नहीं है मगर उनके बिल जुड़ जुड़ के आ गए हैं, उसको लेकर लोगों का क्या रुख रहा है? देखिए, बहुत आक्रोश है लोगों के अंदर और मुझे लगता है कि भाजपा के बोर्ड को जब इस बार नगर निगम के जो चुनाव आएंगे अगस्त के अंदर, उसमें वार्ड पार्षदों को सीवरेज के मुद्दे का भी सामना करना पड़ेगा और उसका समाधान भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि सीवरेज के कनेक्शन प्रॉपर हुए नहीं है। हमारे जो राजस्थान के अंदर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने सीवरेज की लाइन बिछाई है, बेढंग तरीके से, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होते हुए उन्होंने उसको बिछा तो दिया है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लोग उन्हें प्रॉपर लिए ही नहीं है। लेकिन नगर निगम ने उनसे पैसा वसूलना सीवरेज का शुरू कर दिया है, इसको लेकर आक्रोश है लोगों के अंदर। वार्ड के अंदर जिन वार्ड के अंदर हम गए हैं वहाँ पर लोगों ने कहा है कि ये क्या फिजूल खर्च एक तरीके से बढ़ा दिया है उन्होंने, जबकि सीवरेज उस तरीके से काम नहीं कर रहा है अजमेर में जिस तरीके से सीवरेज को प्रॉपर करना चाहिए था। उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल पेच फंसे हुए हैं जो हमारे इंजीनियर्स की गलती है, वो हमारा शहर जो 23 वार्ड है वो अभी भुगत रहा है। मुझे लगता है कि वार्डवासी इतने नाखुश हैं इस काम से सरकार के प्रशासन के कि उसका खामियाजा वार्ड पार्षद को भुगतना पड़ेगा, और जब अभी 80 वार्डों में चुनाव होंगे तो वार्ड पार्षद के सामने सीवरेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ठीक है सुशील, हमने देखा है कि अजमेर शहर के कई जगह सीवरेज में से उबाल मार रहा है, मतलब पानी बाहर आ रहा है। जो टेक्निकल पॉइंट की अगर अपन बात करें तो लाइन कई जगह, जैसे मेन रोड जो है वो ऊपर है और जो अपने अंदर के जो जगह है कॉलोनी है वो नीचे है, तो उसका पानी फ्लो कैसे होगा? ये बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। यही बहुत बड़ा एक टेक्निकल पेच है कि जो गलियां हैं, जो अंदर की वार्ड की जो गलियां हैं वहां पर सीवरेज की जो लाइन है वो नीचे की तरफ बिछी हुई है, और जब मेन सड़क से जहां से निकल रही है मेन लाइन वो ऊपर की ओर है। आप मुझे खुद आप बताइए, सोच के देखिए। तो मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग ना करा हुआ हो, जिसने 10वीं में 12वीं में थोड़ी सी भी पढ़ाई अगर की है, वो खुद बता देगा कि भाई अगर इस लेवल की चीज़ अगर बिछी भी होगी तो प्रेशर कैसे बनेगा, कैसे वो चीज़ आउट होगी। तो ये सीवरेज के अंदर टेक्निकल जो पेच है यही सबसे बड़ी बाधा अजमेर के अंदर बनी हुई है, क्योंकि अजमेर की जो धरातल की स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है और उसको बिना परखे बिना सर्वे किए शायद ये काम कर दिया, और उसी का नतीजा है कि अजमेर के वार्डवासी जो हैं, अजमेर शहर के जो लोग हैं वो सीवरेज को एक समस्या के तौर पर भुगत रहे हैं। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9992947733।